कल क्रिया योग शुरू किया था, आज आगे शुरू करते हैं। तो साधन पाद कल हमने प्रारंभ किया, तो साधन पाद का आरंभ कहां से हुआ? क्रिया योग से। क्रिया योग क्या है? तप स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधान क्रिया योग, क्रियेव योगः क्रिया योगः, अर्थात जो क्रिया के द्वारा संपन्न हो, क्रिया के द्वारा जो संपन्न हो, संपादित हो वह क्रिया योग है, वह क्रिया योग है। क्रिया अर्थात मनसा वाचा कर्मणा, मनसा वाचा कर्मणा, मानसिक क्रिया हो चाहे वाचिक क्रिया हो चाहे कर्म के द्वारा हो, सारी क्रियाओं के द्वारा जो कर्म संपादित किए जाते हैं वो क्रिया योग है। तो इसके भीतर क्या लिया? तप स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधान, तप स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान, ईश्वर प्रणिधान, ये क्रिया योग है। क्रिया योग क्या करते हैं? समाधि भावनार्थ क्लेश तनु करणार्थश्च, तो समाधि की भावना को संपादित करते हैं, अर्थात ये क्रिया योग समाधि प्रदान कराता है, समाधि प्रदान कराता है और दूसरा क्लेशों का तनुकरण करता है, क्लेशों का तनुकरण अर्थात क्लेशों को हल्का कर देता है, हल्का कर देता है, ये क्रिया योग का लाभ है। योग सूत्र में यही विशेषता है महर्षि पतंजलि की, जो भी बताए उसका लाभ तुरंत बताते हैं, तुरंत लाभ, योग का फल तुरंत बताया, तदादृश स्वरूपेषण, क्रिया योग का फल तुरंत बताया। क्या बताया? समाधि भावनार्थ, समाधि संपादन कर प्राप्त कराता है, संपादित करवाता है और दूसरा क्लेशों का तनुकरण करता है, क्लेशों का तनुकरण करता है। तो पहला तप स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधान क्रिया योग, दूसरा समाधि भावनार्थ क्लेश तनु करणार्थश्च, तीसरा अब ये क्लेश, क्योंकि क्लेशों का वर्णन किया है महर्षि ने, तो क्लेश का बता रहे कितने प्रकार के हैं, तो पांच प्रकार के क्लेश हैं, तो अविद्या अस्मिता राग द्वेष अभिनिवेश पंच क्लेश, तो कितने क्लेश हैं? तो पांच है, अविद्या अस्मिता राग द्वेष अभिनिवेश, अविद्या अस्मिता राग द्वेष अभिनिवेश, ये पांच क्लेश हैं, अभिनिवेश ये पांच क्लेश हैं, ये पांच क्लेश हैं। तो चूंकि क्रिया योग क्लेशों का तनुकरण करते, तो क्लेश क्या है? जिस प्रकार चित्त वृत्तियों का निरोध होता, तो वृत्तियां क्या है? ठीक इसी प्रकार समाधि पाद में वृत्तियों को समझाया और साधन पाद में क्लेश को समझा रहे हैं, क्लेश को समझा रहे हैं। तो अब इन क्लेशों का, पांचों क्लेशों का आगे बोल रहे हैं, अविद्याम सैत्रम उतरेशाम, अविद्या है उनका क्या है? सैत्र है, खेत है, सैत्रम उतरेशाम, इन चारों का अर्थात ये चारों के चारों इसके कारण ही उत्पन्न होती है, अविद्या का नाश होगा तो इन चारों का स्वतः नाश हो जाएगा। तो अविद्या सैत्रम उतरेशाम, अन्य उत्तरोत्तर जो आ रही है इन सब का क्या है? खेत है, जहां ये सब उगते हैं, ये भूमि है, अविद्या ही वह भूमि है, वह स्टेट है जहां पर इन सब की ब्रीडिंग होती है, सब उत्पन्न होते हैं। अविद्या सैत्रम उतरेशाम, तत्पश्चात इन क्लेशों की चार अवस्था है, प्रसुप्त तनु विच्छिन्न विच्छिन्न और उदार, तो इन क्लेशों की चार अवस्थाएं हैं, प्रसुप्त अर्थात जो सोई हुई है, अर्थात इनका विषयों के साथ कनेक्शन नहीं हुआ है, जो ही विषयों के साथ कनेक्शन होगा तो ये धीरे धीरे तनु में आएगी, तनु से उदार में चली जाएगी, तनु से उदार में। तो वे क्लेश वृत्तियां जो अभी छिपी पड़ी है, दबी पड़ी है, तब तक दबी है जब तक उनका विषयों से संयोग नहीं हुआ, जब तक विषयों से संयोग नहीं हुआ। खाने की अभी कोई भावना नहीं है, ठीक है, तो खाने की भावना है, भीतर छुपी हुई है, लेकिन अभी कोई नहीं है। जो ही सामने खाने को विशेष पदार्थ जो हमारा पसंदीदा है वो आया, खाने की इच्छा हो गई, क्या हो गई? पहले कम हो गई, फिर एक ने खाया तो फिर और अधिक इच्छा हो गई, तो
ये खाने की इच्छा प्रसुप्त थी, फिर तनु हुई अर्थात जागृत हुई, लेकिन खाना शुरू नहीं किया, और ज्यों ही खाना शुरू कर दिया ये उदार अवस्था है, ये उन क्लेश वृत्तियों की उदार अवस्था है। खाते खाते किसी ने बुला दिया तो चले गए, तो यहाँ विच्छिन्न हो गया, यहाँ प्रवाह टूट गया, क्या हो गया, इंटरप्रेट हो गया, टूट गया, तो ये अवस्था विच्छिन्न है, ये अवस्था विच्छिन्न है। तो प्रसुप्त तनु विच्छिन्न उदाराणाम, तो इन क्लेशों पांच क्लेश, इनका जो मूल कारण है, खेत है, एरिया है, स्टेट है, वो अविद्या है, इन सब चारों की, ठीक है। और ये चार अवस्था में प्रसुप्त तनु विच्छिन्न उदार, लेकिन इन क्लेशों की पांचवी अवस्था भी होती है, और पांचवी अवस्था कौन सी होती है, दग्ध बीज कहलाती है, कौन सी कहलाती है, दग्ध बीज, दग्ध बीज अवस्था, जो अवस्था क्लेश की क्या कर दी गई है, क्षीण कर दी गई है, अर्थात जिस प्रकार अनाज को या चने को भूंज दिया जाता है, इसी प्रकार इसको क्या कर दिया जाता है, क्लेशों को पूर्ण रूप से नाश तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन क्लेशों को क्षीण कर दिया, रोक दिया। अब वो किसी भी विषय के साथ कॉन्टेक्ट में आएगा तो भी ये काम नहीं करेगा, तो उसमें कोई हलचल नहीं होगी, इतना ऊपर उठ गया है, इतना ऊपर उठ गया है, वो क्लेश की पांचवी अवस्था कहलाती है, जो क्लेश अब किसी प्रकार के कर्म में प्रवृत्त नहीं करेगा, किसी भी प्रकार के कार्य में, क्रिया में नहीं लगाएगा, वह क्लेश दग्ध बीज कहलाता है। तो इन चारों से भिन्न जो क्लेश अब काम नहीं कर रहा है, जो भविष्य में भी काम नहीं कर सकता है, वह क्लेश दग्ध बीज कहलाता है। दग्ध यानी जला हुआ, बीज यानी सीड, ठीक है। तो पूर्ण जलाया तो नष्ट हो गया, तो जो सेकते हैं, वो जो सेकने की प्रक्रिया बीज को, वो दग्ध बीज है, वो पांचवी है, वो पूछने पर स्मरण रखना है, अन्यथा नहीं रखना है, ठीक है। तो प्रसुप्त तनु विच्छिन्न उदार, ये चार अवस्थाएं हैं। अब पंच क्लेश, तो पंच क्लेशों की भूमि जो है वो कौन है, अविद्या है, तो ब्रीडिंग ग्राउंड है अविद्या, ब्रीडिंग ग्राउंड। तत्पश्चात अविद्या क्या है, तो अविद्या के बारे में वर्णन करते हुए महर्षि बोलते हैं, अनित्य असुचि, अनित्य असुचि, दुख अनात्मसु, नित्य सुचि सुखात्म ख्यातिर अविद्या, नित्य सुचि सुख आत्मार, इनका इसमें ये देखना क्या कहलाता है, अविद्या ख्यातिर अविद्या। अविद्या क्या है, अनित्य में नित्यता को देखना, असुचि में अपवित्रता में पवित्रता देखना, दुख में सुख देखना, अनात्मा में आत्मा का दर्शन करना अविद्या है। तो ये अविद्या के चार गुण, चार प्रॉपर्टीज बता दिए, स्मरण रहने हैं, ठीक है। अनित्य में नित्य, ये पृथ्वी आदि सब कुछ अनित्य है, पृथ्वी आदि सब कुछ, तो पृथ्वी पर जितने जो कुछ दिखाई दे रहे हैं वे सारे के सारे क्या है, अनित्य है, सारे के सारे अनित्य है, और हम इसको नित्य समझ लेते हैं, ये तो सदा रहने वाले हैं, सदा रहने वाले हैं, वो समझ लेना अविद्या है, क्योंकि सब के सब क्या है, अनित्य है, नष्ट होने वाले हैं, सब मिटने वाले हैं। असुचि अपवित्रता, इम्प्योरिटी में प्योरिटी, शरीर आदि क्या है, इम्प्योर है, ठीक है, इसको हम प्योर पवित्र समझ लेते हैं, इसको हम लेते हैं, वो स्थिति भी अविद्या है। जैसे हिंसा आदि से कमाया हुआ धन क्या है, अपवित्र है, उसका भोग करना, उसका उपभोग करना, तो क्या कर रहे हैं, उसमें असुचि का सूची करते हुए कर रहे हैं, वो अविद्याग्रस्त है। दूसरे जानवरों को मार के खाना, दूसरे जानवरों को मार के खाना, तो वो भी असोच है, अशुद्धि है, तो अशुद्धि में क्या देख रहा है, सूचि देख रहा है, वो सूचि देख रहा है, तो वो अभी अविद्या है। तो दूसरों को लूट कर, दूसरों के धन को लूट कर, दूसरों को मार कर, हिंसा करके जो भी उपभोग कर रहे हैं, उसको जीना चाह रहे हैं उसको, तो वो सब असुचि है, वो क्या है, अपवित्र है, उस अपवित्रता में पवित्रता देखना अविद्या के कारण था। दुख में सुख, चूंकि महर्षि आगे वर्णन करेंगे, सभी प्रकार के जाति आयु और भोग, जितने प्रकार के भोग है जगत के, वो दो ही है, क्या, आह्लाद और परिताप, या तो सुख देंगे या दुख देंगे, जो हमें सुख देते हुए प्रतीत लगते हैं अंत में वो भी दुख स्वरूप में ही होते हैं, परिणाम ताप संस्कार दुख रूप में, परिणाम ताप संस्कार दुख रूप में,
जो हमें अभी सुख लग रहा है वो भविष्य में दुख, दुख में सुख देखना भी अविद्या है। जैसे अभी जवानी में खूब पिज्जा या खूब मार्केट का फास्ट फूड खाया जा रहा है, थोड़े दिनों बाद स्वास्थ्य खराब हो गया, मैदा और पता नहीं क्या क्या मसाले, थोड़े दिनों बाद जो स्वास्थ्य खराब हुआ वो परिणाम दुख है। कौन सा दुख है? परिणाम दुख। दूसरा दुख ताप दुख, अब खा नहीं सकते, खाने की इच्छा हो रही है, खाएंगे तो स्वास्थ्य खराब हो जाए, अब जो नहीं खा पा रहे हैं उसके लिए जो शोक उत्पन्न हो रहा है, जो मन ही मन महसूसता रह जाता है, वो दुख ताप दुख कहलाता है। और परिणाम और ताप के कारण तो दोनों प्रकार के संस्कार बनते हैं, एक तो खाने का संस्कार और एक खा नहीं पा रहे हैं, तो वो दुख संस्कार दुख होता, तो बार बार खाने की इच्छा होती रहती है, नहीं खाते तो दुख की इच्छा। इस प्रकार प्रत्येक सुख तीन प्रकार के दुखों में बदल जाता है, परिणाम दुख, ताप दुख, संस्कार दुख। जब भोग रहे हैं तो भोगते भोगते इंद्रियों की शक्तियां क्षीण हो जाती है, जब भोग भोग नहीं पाते हैं तो वो परिणाम दुख है। जैसे डायबिटीज वाले मीठा नहीं खा सकते बेचारे, तो परिणाम दुख है। अब ताप, मीठा नहीं खा पा रहे, मीठा सामने है, खाने की इच्छा होने के बाद नहीं, उस समय जो समस्या उसको दुख भीतर अनुभव हो रहा है वो ताप, और अब मीठा खाने का संस्कार बन चुका था और अब खा नहीं पा रहे, दोनों के संस्कार, तो मीठा खाने की इच्छा हो रही वो नहीं खा पा रहा है, और नहीं खाने का जो दुख हो रहा है, दोनों का, दुख का भी और लोभ का भी संस्कार बन गया, तो वो लोभ और दुख संस्कार रूप में फिर आगे और खाने में प्रवृत्त करता है और दुख में प्रवृत्त करता है। इसलिए दुख में सुख अर्थात ये कैसा भी सुख है वो परिणाम ताप संस्कार रूपी दुख प्रदान करता ही करता है। तो दुख में सुख देख का अनुभव करना भी क्या है? अपवित्रता, अपवित्रता। तत्पश्चात अनात्मा में आत्मा, पुत्र पुत्री या जो भी सांसारिक रिश्ते हैं सब अनात्मा है, सब शरीर है, सब शरीर है, उन शरीर में आत्मा देखना अनात्मा में आत्मा का दर्शन है, ये भी अविद्या है, ये भी अविद्या है, ये भी अविद्या है। तो अनित्य में नित्य, जो परिवर्तनशील है, जो नष्ट होने वाला है, जो मरण धर्म है, उसमें नित्यता देखना कि ये तो हमेशा रहेगा, ये तो मेरे पास हमेशा रहेगा, तो वो देखना अविद्या है। अपवित्रता में पवित्रता देखना अविद्या है, दुख में सुख देखना अविद्या, अनात्मा में आत्मा, ये चारों प्रकार का ज्ञान अनुभव करना क्या है? अविद्या है। तो अनात्मा, तो रिश्ते सब सब में आत्मा है, तो आत्मा का, आत्मा में आत्मा का भान हो जाएगा, तो यही मूल विद्या है, यहीं से ज्ञान प्रारंभ हो जाएगा, यहीं से ज्ञान प्रारंभ हो जाएगा, तो अपने आप मोह इत्यादि आसक्ति इत्यादि मिट जाएगी। तो अनित्य में नित्य, असुचि में सुचि, दुख में सुख और अनात्मा में आत्मा को जानना अनुभव करना ही अविद्या कहलाता है, अनुभव करना ही अविद्या कहलाता है। अब अस्मिता, क्योंकि अब चारों के चारों अन्य क्लेश अविद्या के कारण ही उत्पन्न हुए हैं, अविद्या के कारण ही उत्पन्न हुए। अस्मिता, दृक दर्शन शक्ति और एकात्मता, दृक दर्शन शक्ति दृक दर्शन शक्ति और एकात्म अस्मिता, दृक शक्ति और दर्शन शक्ति का एक रूप हो जाना क्या है? अस्मिता कहलाता है। दृक शक्ति और दर्शन शक्ति, जिस शक्ति के कारण देखा जाता है वह शक्ति दृक शक्ति कहलाती है, तो वो कौन है? पुरुष, आत्मा। और दर्शन शक्ति, जिसके कारण देखा जाता है अर्थात बुद्धि, तो पुरुष और बुद्धि को एक समझ लेना ही, अभेद समझ लेना ही क्या है? अस्मिता है। बुद्धि और पुरुष को एक समझ लेना ही क्या है? अस्मिता है। जबकि बुद्धि जड़ है, बुद्धि क्या है? जड़ है। तो यहां वही स्थिति होती है जो दृष्टा की वृत्ति सारूप्य मित्रत्र में हुई थी। जब दृष्टा योग की अवस्था में नहीं होता है तो कैसा होता है? जैसी वृत्तियां हैं वैसा ही हो जाता है। ठीक जब अविद्याग्रस्त पुरुष होता है, पुरुष चित्त, जब
चित्त अविद्याग्रस्त होता है तब पुरुष वैसा ही देखता है जैसी बुद्धि देखती है, जैसी बुद्धि देखती है, जबकि ये तो बिल्कुल प्योर है, बिल्कुल क्या है, प्योर है, निर्विकल्प है, किंतु बुद्धि अविद्या के कारण वो वैसा ही देख पा रहा है जैसी बुद्धि, तो वो अपने आप को फिर क्या समझता है, शरीर मन बुद्धि, ठीक है, फिर मेरा पदार्थ ये मेरा, यहां से फिर उसके भीतर राग द्वेष अभिनिवेश आदि उत्पन्न होते हैं, किसके द्वारा, अस्मिता के कारण, वो गलत स्वयं को क्या गलत के साथ जोड़ता है कौन, पुरुष है, आत्मा है, लेकिन अविद्या के कारण वो स्वयं को क्या समझ बैठता है, बुद्धि, जैसी बुद्धि देखता है, जैसी बुद्धि सोचता है, वो स्वयं को उसी प्रकार कर लेता है, ऐसा करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, अस्मिता कहलाती है। तो अविद्या कल पढ़ चुके थे, अविद्या टू कंसीडर एज ए परमानेंट, व्हाट इज इम्परमानेंट कंसिस्ट इज रिगार्डिंग ए ट्रांसिएंट ऑब्जेक्ट एज एवरलास्टिंग, एन इम्प्योर ऑब्जेक्ट एज प्योर, मिजरी एज हैप्पीनेस एंड द नॉट सेल्फ एज सेल्फ। इस प्रकार ये अविद्या है, क्या है, अविद्या है। जो भी अनित्य पदार्थ है, अपवित्र पदार्थ है, दुख है, अनात्मा है, उसमें उसका उल्टा समझना, उसका उल्टा समझना क्या है, अविद्या है, अविद्या है। अविद्या प्रमाण भी नहीं है, ठीक है, प्रमाण अर्थात यथार्थ ज्ञान का साधन, प्रमाण अर्थात यथार्थ ज्ञान का साधन, तो ये अविद्या प्रमाण भी नहीं है, अविद्या प्रमाण भी नहीं है, क्या है, इसका विरोधी है, अर्थात वह ज्ञान विरोधी ज्ञान, प्रमाण का विरोधी ज्ञान अविद्या कहलाता है, अर्थात विपर्यय, क्या कह सकते हैं इसको, विपर्यय, मिथ्या ज्ञान, जो सच है ही नहीं, जो ही प्रमाण आएगा तो अविद्या का नाश हो जाएगा, अविद्या का क्या हो जाएगा, नाश हो जाएगा, तो विपर्यय वृत्ति ही लगभग क्लेश वृत्ति है, अविद्या है, अविद्या है। अब अस्मिता, दृक् दर्शन शक्ति और एकात्म अस्मिता, दृक् शक्ति और दर्शन शक्ति का एक हो जाना, अर्थात जो पुरुष है और बुद्धि, इन दोनों का एक रूप हो जाना, तो पुरुष किस रूप धारण कर लेता है, बुद्धि के आकार का बन जाता है, वहां दृष्टा वृत्ति के आकार का बन रहा था, वृत्ति सारूप्यम, वृत्ति के जैसा हो गया था, और यहाँ बुद्धि के जैसा हो जाता है, किसके जैसा हो जाता है, बुद्धि के आकार का, जैसी बुद्धि सोचती, जैसा बुद्धि देखती, वैसा ही दृष्टा करने लग जाता है, वह प्रक्रिया अस्मिता कहलाती है, वह प्रक्रिया अस्मिता कहलाती है। अस्मिता इज द टेंटामाउंट टू द आइडेंटिफिकेशन ऑफ पुरुष विद बुद्धि, अस्मिता इज टेंटामाउंट टू द आइडेंटिफिकेशन ऑफ द पुरुष विद बुद्धि, पुरुष और बुद्धि लुकिंग अपॉन दीज टू एज द सेम, बुद्धि और पुरुष लगने लगते हैं सेम, एक लगने लग जाते हैं, वह अस्मिता है, वह अस्मिता है, अर्थात अविद्या युक्त पुरुष का बुद्धि के साथ संयोग, पुरुष का और संप्रज्ञात समाधि में क्या अंतर है, अस्मिता अनुगत संप्रज्ञात में चित्त, चित्त बुद्धि इस पुरुष के भीतर जाता है, ये पुरुष है मूल पुरुष शुद्ध, इस शुद्ध पुरुष के भीतर जब चित्त का लीन हो जाता है, चित्त या बुद्धि का, बुद्धि क्या हो जाती है, लीन हो जाती है, इसी में चली जाती है, पुरुष स्वरूप में आने मतलब अपने को मानना शुरू करता है, तो वह है अस्मिता अनुगत संप्रज्ञात, वह है अस्मिता अनुगत संप्रज्ञात, और यहां क्या है, पुरुष किसके जैसा हो रहा है, बुद्धि के जैसा, चित्त पुरुष में आके मिल रहा है, तो अस्मिता अनुगत संप्रज्ञात है, पुरुष जाके बुद्धि के जैसा रूप धारण कर रहा है, अस्मिता क्लेश है, अस्मिता क्लेश है, तो पुरुष जब बुद्धि के जाकर बुद्धि के जैसा बन जाता है, वह अस्मिता क्लेश है, और जब ये चित्त या बुद्धि पुरुष में आकर लीन हो जाती है, अस्मिता अनुगत संप्रज्ञात है, इतना स्मरण रखना, ये सबसे महत्वपूर्ण वार्ता थी। अब राग सुखानुसयी राग, सुखानुसयी राग, सुख के पीछे या सुख का अनुसरण करने वाला, सुख के पीछे चलने वाला, अनुसरण करने वाला,
क्लेश क्या है? राग है, राग है। तो सुखानुसई राग, राग जो सुख भोगा है उस सुख को पुनः भोगने के लिए लोभ, लालच, इच्छा और लोलुपता करना क्या है? राग है। एक तो उसको चाहना, इच्छा करना। तो जो भी सुख मिला, गुलाब जामुन खाया, फिर बार बार उस गुलाब जामुन को खाने की इच्छा, उसका इच्छा, डिजायर। तो सुख की डिजायर, फिर उसका ग्रीड, उसकी ग्रीड बढ़ जाए, फिर थ्रस्ट, थ्रस्ट, और फिर लोलुपता, अर्थात उसको पाने के लिए किसी भी सीमा तक चले जाना, उस सुख के विषय को पाने के लिए किसी भी लिमिट तक चले जाने को लोलुपता कहते हैं। तो ये थ्रस्ट से भी और निम्न प्रकार की वृत्ति है, ये सब उत्पन्न होता है उस सुख को पाने के लिए, वह राग कहलाता है, वह राग कहलाता है। सामान्य प्रेम, प्रीति, रुचि इत्यादि राग के अंतर्गत नहीं आते हैं। सामान्य प्रेम, प्रीति, रुचि इत्यादि राग के अंतर्गत नहीं आते हैं। सुख भोगने की बार बार इच्छा, इच्छा से उसकी फिर तृष्णा बढ़ जाए, उसका लोभ, लालच, ग्रीड बढ़ जाए, वह सब, जैसे व्यक्ति एक बार रिश्वत लेता है, धीरे धीरे रिश्वत लेते लेते उसकी रिश्वत और लेने की इच्छा बढ़ जाती है, तो पैसों से उसको रिश्वत क्या हुए? अटैचमेंट, राग, यहाँ राग है। ठीक है, अपना कमा रहे, अपना शौक से जो खा रहे हैं, वो एक लिमिट से खा रहे हैं, वो राग के अंतर्गत नहीं है, वो राग के अंतर्गत नहीं है। तो घर परिवार में जो खाना पीना खा रहे हैं उसको राग के अंतर्गत नहीं। तो महापुरुष भी अच्छे खाने को चाव से खाते हैं, उनका राग नहीं है। मिला तो अच्छा, नहीं मिला तो भी कोई दिक्कत नहीं है, नहीं मिला तो परेशान हो गए, क्रोधित हो गए, या फिर कैसे भी करके चोरी करके किसी प्रकार के उसको पाने की इच्छा करना क्या है? राग है। क्या है? राग है। तो अटैचमेंट इज दैट विच फॉलो रिमेम्बरेंस ऑफ प्लेजर, विच फॉलो रिमेम्बरेंस ऑफ प्लेजर। तो सुख की इच्छा के कारण, सुख भोग लिया उसके कारण जो लोभ, लालच, इच्छा, लोलुपता उत्पन्न हुई, वह क्या है? राग है। वह क्या? राग है। अब द्वेष, दुखानुसई द्वेषः, दुखानुसई द्वेषः, जिस प्रकार सुख के पीछे पीछे, सुख का अनुसरण, सुख की इच्छा वाला क्लेश राग है, इसी प्रकार जो दुख प्राप्त हुआ है उस दुख के प्रति, उस दुख के प्रति क्रोध, मन्यु, प्रतिहिंसा और दुख का नाश इत्यादि भावनाएं जो उत्पन्न होती है वे द्वेष कहलाते हैं, वह द्वेष कहलाते हैं। तो जो भी दुख मिला उस दुख के नाश के लिए, जिसके कारण दुख मिला उसका नाश के लिए जो प्रयत्न किया जाता है, जो भावनाएं आती है, मन्यु क्रोध का सामान्य रूप है, जिसमें दूसरे की भलाई के लिए व्यक्ति मन्यु करता है, यहां नुकसान नहीं पहुंचाता है, क्रोध में नुकसान पहुंचाता है, प्रतिहिंसा में और अधिक नुकसान, और इस नाश में तो मारता है व्यक्ति, उसको नष्ट करता है। तो जिसके कारण दुख मिला है उस दुख के प्रति प्रतिहिंसा, अर्थात पुनः उसको दुख पहुंचाना, उसके प्रति क्रोध, उसके प्रति मन्यु और उसको मारना, उसको मारना है कि जो संकल्प है वो सारे के सारे द्वेष कहलाते हैं। वे सारे के सारे क्या कहलाते हैं? द्वेष कहलाते हैं। तो द्वेष का अर्थ ईर्ष्या, घृणा, ये जो सामान्य ईर्ष्या हम प्रयोग करते हैं, जलन, उड़न, ये नहीं है। अर्थात जिसके कारण दुख हुआ उसको प्रतिहिंसा, उसको पुनः नुकसान पहुंचाने का, उसके प्रति क्रोध और उसको मारने का जो प्रयत्न का भाव है वह द्वेष कहलाता है, वह द्वेष कहलाता है। एवर्जन इज दैट विच रिजल्ट फ्रॉम मिजरी, विच रिजल्ट फ्रॉम, तो दुख के कारण यह उत्पन्न होता है। द्वेष किसके कारण उत्पन्न होता है? सदा दुख के कारण, और राग हमेशा सुख के कारण, राग हमेशा सुख के कारण। तो राग किस पर बेस्ड है? सुख, प्लेजर, और द्वेष किस पर है? मिजरी, दुख। अब अभिनिवेश, स्वरसवाही
विदुषो अपि तथा रूढो वीर्यतः। स्वरस्वाही विदुषो अपि तथा रूढो विनिवेशः। अब ये पांचवा क्लेश है। स्वरस्वाही विदुषो अपि तथा रूढो अभिनिवेश। स्वरस, स्व यानी स्वयं का रस अर्थात स्वभाव से ही, वह क्लेश अभिनिवेश है। अभिनिवेश यानी मरण भय, मृत्यु भय, फियर ऑफ डेथ। तो स्वरसवाई स्वभाव नेचुरल फ्लो है उसका, जो फियर ऑफ डेथ है वो नेचुरल फ्लो वाइज है, और विद्वानों में भी पाया जाता है और मूर्खों में भी पाया जाता है। यहीं से पुनर्जन्म का सिद्धांत पूर्ण सिद्ध होता है, क्योंकि मृत्यु को तो व्यक्ति अनुभव नहीं करता, प्रत्यक्ष तो मृत्यु को कभी देखता नहीं, लेकिन प्रत्येक जीव कीड़ा भी, कैसा भी कीड़ा देख लेना, छोटे से छोटा कीड़ा अपना जीवन बचाने का प्रयत्न करता है। धरती पे एक भी जीव ऐसा नहीं है जो मरना चाहता है, हर कोई अपने जीवन को बचाना चाहता है। तो प्रत्येक जीव के भीतर एक स्वभाव से है कि मैं रहूं, ऐसा कोई नहीं सोचता कि मैं ना रहूं। तो ये भावना, ये संस्कार जन्म जन्मांतरों से, तो प्रत्येक जीव, क्योंकि प्रत्येक जीव अपना सुख चाहता है कि मैं सदा रहूं, क्या कि मैं सदा रहूं, मरना कोई नहीं। कुत्ता बिल्ली सब भी गाड़ी जाएंगे, रास्ते में तो हट जाएंगे, भाग जाएंगे, ऐसा कोई जीव नहीं है जो मृत्यु आ रही सामने उसको बिल्कुल भय नहीं है, उसको बिल्कुल भय नहीं है, सब मृत्यु से बचना चाहते हैं। तो स्वरसवाई जो स्वभाव से प्रभाव से बह रहा है, तब हर प्रत्येक जीव के भीतर मृत्यु भय रहता ही है, मृत्यु भय। सांप भी भागता है, कोई जाता तो सांप भी भाग जाता है, शेर भी भाग जाता है, ऐसा कोई नहीं है जो भागता नहीं है, अपने जीवन को बचाने के लिए भागता नहीं, ऐसा कोई जीव नहीं है अभी तक। तो स्वभाव से और विद्वानों में भी, जैसा मूर्खों और कीड़ों में पाया जाता है, ज्ञान से ज्ञानवान व्यक्ति में भी पाया जाता है। तो ये मृत्यु भय अभिनिवेश है, मरण भय, क्या ये मरण भय अभिनिवेश, जो सब में रहता है, जो सब में रहता है। क्यों रहता है? क्योंकि मरण भय को अनुभव किया है, मरण भय को पिछले जन्मों में अनुभव किया, तो मरण का जो दुख है, उस दुख के अनुभव के कारण कोई भी जीव उस दुख को पुनः अनुभव नहीं करना चाहता है। और फिर भी चूंकि वो तो नियम है, तो अनुभव करता है, तो वो संस्कार बन चुका है उस भय का, इसलिए जीव जन्म से लेके अंत तक मृत्यु भय सदा रखता है, सदा रखता है, सदा रहता ही है, सदा रहता ही है। एज इन द इग्नोरेंट सो इन द लर्नर्ड द फर्मली एस्टेब्लिश्ड इनबॉर्न फियर ऑफ इनहेलेशन इज द एफ्लिकेशन कॉल्ड अभिनिवेश। मृत्यु भय है इग्नोरेंट अर्थात मूर्ख में वैसा ही पाया जाता है, वैसा ही लर्न विद्वानों में पाया जाता है मृत्यु भय, हर कोई इससे बचना चाहता है। इस प्रकार ये पांच क्लेश थे, अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश। अविद्या चार गुणों से युक्त थी, चार गुणों से क्या युक्त थी, अनित्यता में नित्यता देखना, जो बदलता रहता, जो मरणशील धर्म वाला है उसमें समझना ये तो नित्य, क्योंकि नित्य तो केवल और केवल कौन है, परमात्मा है, नित्य कौन है, परमात्मा है, या फिर ये आत्मा है, यही दो नित्य है, बाकी सब के सब अनित्य है। उनमें क्या देखना, नित्यता देखना, उनमें नित्यता देखना, एवरलास्टिंग देखना। फिर अपवित्रता में पवित्रता, अपवित्रता तो जितने भी बुरे कर्म है उनमें अच्छाई देखना, किसी का बुरा करना, किसी के प्रति हिंसा करना, किसी को लूटना, किसी का हक अधिकार छीनना, ये सारे के सारे अपवित्र क्रियाएं हैं, इनमें पवित्रता समझना अविद्या है। दुख में जितने सारे भोग है, जितने सारे भोग है, सारे के सारे अंततः दुख रूप है, अतः उनमें सुख ढूंढना, उनमें सुख देखना अविद्या है। और अनात्मा में जितने रिश्ते हैं, चाहे वो जितने कनेक्शन है, चाहे वो पदार्थ के साथ हो
और चाहे जीव के साथ हो, जितने कनेक्शन है, तो सारे के सारे पदार्थ और जीव क्या है? अनात्मा है। क्योंकि ये शरीर तो अनात्मा ही है और हम इस शरीर के साथ संबंध जोड़ते हैं, तो ये संबंध जोड़ना भी क्या है? अविद्या है। अविद्या है तो अनात्मा में अनात्मा देखिए, ये सब करना क्या है? अविद्या है। फिर अस्मिता, दृक शक्ति और दर्शन शक्ति, अर्थात दृक शक्ति यानी जो देखने की मूल शक्ति है और दर्शन शक्ति ने जिसके द्वारा देखता है, दोनों का एक हो जाना, अर्थात दृक शक्ति दर्शन शक्ति के पीछे पीछे चलना शुरू कर देता है, जैसा दर्शन शक्ति कर रहा है वैसा ही दृक शक्ति चल रहा है, वह क्या है? अस्मिता है। क्या है? अस्मिता है। अर्थात पुरुष किसके अनुरूप चल रहा है? बुद्धि के अनुरूप। जब ये पुरुष बुद्धि का अनुसरण कर लेता है, बुद्धि का अनुसरण करता है, बुद्धि के जैसा हो जाता है, बुद्धि के जैसा हो जाता है, तो क्या है? अस्मिता है। और वही ये बुद्धि पुरुष में लीन होनी शुरू हो जाती है, तो अस्मिता अनुगत संप्रज्ञात है। सुखानुसई राग, सुख भोग, जो सुख मिला है उसको बार बार पुनः मिलने की चाह, इच्छा, उसकी वासना, उसकी तृष्णा, उसकी लोलुपता क्या है? राग है। और जो जो दुख मिला है उस दुख के कारण वो नष्ट करने का, दुख का जो कारण है उसको पुनः नुकसान पहुंचाने का, उसके प्रति क्रोध इत्यादि करना क्या है? द्वेष है। क्या है? द्वेष है। और अभिनिवेश अर्थात मरण भय, अभिनिवेश अर्थात मरण भय, स्वरस्वाई है। तो अभिनिवेश, ये प्रश्न आ सकता है कि कैसा है, तो स्वरस्वाई अर्थात स्वभाव से है। अभिनिवेश स्वभाववश और संस्कारवश है, तो ये संस्कारों के कारण होता है। संस्कारवश है, स्वभाववश है, अर्थात सदा से है। जब से जीव जन्म लेता है मरण पर्यंत उसको रहता ही रहता है, रहता ही रहता है। और विद्वानों में भी पाया जाता है, विद्वानों में भी मरण पाया जाता है, और जैसा जैसा मूर्खों में पाया जाता है, सेम टू सेम विद्वानों में पाया जाता है। इस प्रकार ये अभिनिवेश है। तो स्वरसवाही विदुषो अपि तथा रूढ़ो अभिनिवेश, तथा रूढ़ो अभिनिवेश। ये पांच क्लेश है। अब इन क्लेशों का क्या करना चाहिए, तो मैं इसे आगे वर्णन करते हैं। ते प्रतिप्रसव हेया सूक्ष्म, ते प्रतिप्रसव, ते प्रतिप्रसव हेया सूक्ष्म। सूक्ष्म कैसे हुए? क्रियायोग के द्वारा, क्लेश तनु करणार्थश्च। तो क्रियायोग के द्वारा जो सूक्ष्म हो गए हैं ये क्लेश पांचों, ये इनको क्या? प्रतिप्रसव के द्वारा नष्ट करने योग्य है, अर्थात ये क्लेश क्या है? नष्ट करने योग्य है, क्लेश नष्ट करने योग्य है, अर्थात क्लेशों का नाश करना ही चाहिए, नाश करना ही चाहिए, और वृत्तियों का निरोध करना चाहिए। तो वृत्तियों का तो निरोध बोला, और क्लेशों का क्या बोला? हे या नष्ट करना है। सूक्ष्म अवस्था में प्राप्त हुए हैं फिर भी उनका नष्ट करना ही चाहिए, और किसके द्वारा? प्रति प्रसव, प्रसव यानी उत्पन्न होना, प्रसव यानी उत्पन्न होना, और प्रति प्रसव मतलब उत्पन्न का उल्टा यानी विलीन होना। ये सारे के सारे क्लेश जो सूक्ष्म अवस्था को भी प्राप्त हो गए हैं और जो नहीं हुए, सब के सब प्रति प्रसव के द्वारा नष्ट करने योग्य हैं। प्रति प्रसव अर्थात निर्बीज समाधि, अर्थात असंप्रज्ञात समाधि के द्वारा इन्हें नष्ट करना ही है, क्योंकि असंप्रज्ञात मिलने के बाद फिर कोई संस्कार शेष नहीं रहता है। प्रति प्रसव अर्थात गुणों का गुणों में लीन हो जाना, गुणों का पुनः चित्त में लीन, जो गुणों का कृतार्थता खत्म हो जाती है वो अवस्था। तो ये भी इन क्लेशों को गुना गुणों में लीन कर दिया जाए, अर्थात प्रति प्रसव कर दिया जाए, विलीन कर दिया जाए, पूर्ण रूप से समाप्त, वह अवस्था करनी ही चाहिए क्लेशों की। तो ते इन क्लेशों का क्या करना चाहिए? प्रति प्रसव के द्वारा अर्थात असंप्रज्ञात समाधि के द्वारा इनको नष्ट कर देना चाहिए, निर्बीज समाधि के द्वारा इनको नष्ट कर देना चाहिए। सूक्ष्म अवस्था हुए उनको भी, क्योंकि वो भी कभी उगड़ सकते हैं या तो रहेंगे, तो सारे क्लेशों को क्या करना है? प्रति प्रसव यानी पुनः विलीन, अपने कारण में विलीन करने को प्रति प्रसव कहते हैं। प्रसव यानी उत्पन्न करना, प्रसव यानी उत्पन्न, और प्रति प्रसव यानी विलीन, यानी विलीन, उनको जिस जहां से आए वही विलीन, खत्म, निरोध, कुछ नहीं, अब कुछ नहीं। तो द सटल क्लेशाज,
The subtle kleshas are forsaken by the cessation of productivity of the mind या चित्त, productivity of mind या चित्त। तो ये जो subtle kleshas है, इनका भी क्या करना है? Forsaken कर देना है। किससे?